पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे बर्बाद करते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा ये वीडियो, आप इसको मत देखिएगा, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। मैं मेरे ज़िंदगी का अनुभव, मेरा तजुर्बा, मैं मेरा नज़रिया इसके बारे में, मैं जो नज़र देखता हूँ दुनिया को उसका मैं अनुभव के बारे में बताता हूँ आज। पेरेंट्स अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, नंबर वन, क्यों, कैसे, सब उनका आइडिया, उनका सोच विचार करते हैं। बेचारे क्या करेंगे यार, बच्चे हैं उनको, और बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका कोई ये नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा के सुनने पे जाएंगे वो लोग, राइट। और इसके लिए ये मोनोपोली है, मार्केट में और कोई सप्लायर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, खाली मम्मी पापा है, तो इसके लिए आग बंद करके उनको सुनना पड़ेगा, उनका सोच विचार करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये आप अपना मम्मी को कितना बड़ा टैलेंट समझते हो, ओके, आप अपना पापा को कितना बड़ा परफॉर्मर, अचीवमेंट, बहुत बड़ा किया है, ऐसा कितना समझते हैं, राइट, कितना बड़ा तक उन्होंने पहुँचा है, ओके। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, अपना माता पिता गुरु, वो जो स्टैंड है ना, उससे बाहर आ जाओ, ये जो इसको कंफ्यूज मत करो कि मैं कहीं पे भी मम्मी पापा को रेस्पेक्ट नहीं देने का वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेस्पेक्ट दे के उनकी सोच विचार से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का वो नहीं बोल रहा हूँ, ओके, मेरी बात वेरी क्लियर है। पेरेंट्स उनका उनका अलग अलग विचार होगा, लेकिन बच्चों पे नहीं ठोकना चाहिए, दैट्स वन। नंबर टू, ये आप अपने मम्मी पापा को कितना बड़ा परफॉर्मर समझते हैं, मम्मी पापा अपने आप को कितना बड़ा परफॉर्मर समझते हैं, अगर वो उतना परफॉर्मर नहीं है, ओके, आप खुद समझते हैं कि मैं उतना परफॉर्मर नहीं हूँ, तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मर है ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और आप भी उनको बड़ा समझते हैं, पूरा गलत फहमी में ज़िंदगी चल रहा है और आपको कुछ अलग जगह पर रहता है नहीं, तो आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गुरु, गुरु मतलब आपकी स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं वो गुरु नहीं होता है, सॉरी वो भी गुरु है अपना, लेकिन आगे जाके जो आपको लाइफ में बनना है, पैसा, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, आपका जिस तरह का ज़िंदगी में आपका लाइफस्टाइल हासिल करना है, वो जो बताएंगे वो भी, वो ही आपका असली गुरु है, आपका लाइफ में वो चमक ला सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। अच्छा, अगेन गुरु में मैं जो भी गुरु दिखता है उनको गुरु नहीं बोलता हूँ, राइट, वो सब बिजनेसमैन है, पैसा कमाते हैं, बस पैसा लेते हैं और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया नहीं आया, ख़त्म, उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु वो होते हैं कि एक बार आपके साथ आ गए, जब तक आपकी लाइफ में जो चेंजेस लाना है, आप जिसकी वजह से जो सोच के आपने वो गुरु के पास किया, उनके लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ आया है, वही गुरु होता है। बल्क बल्क में एडवर्टाइजमेंट देके, फेसबुक में ऐड डाल के, पूरा ग्रुप को मंगा के, फिर 30-40 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर गांव में जाके 6 दिन 4 दिन 5 दिन में ट्रेनिंग होता है, बोलता आपका ज़िंदगी बस किया जाओ, कितना लोग उसमें जीत जाते हैं, कितना लोग उसमें जिसके लिए वो गुरु के पास गए थे, कितना लोग को हुआ है। गुरु तो आस ऊपर कर सकते हैं ना, मेरा गारंटी नहीं है, मैं थोड़ी, मेरा काम हो गया, अभी तुम्हारा जाओ, ये काय का गुरु है। गुरु होता है कि जिसके पास आप जाने के बाद आके दम तक वो आपके साथ रहें और आपकी लाइफ में ज़िंदगी चेंज करें। ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट स्टिल वही रियल गुरु होते हैं, ओके, दैट्स नंबर वन। और अपना मम्मी पापा को सोच के आप लोग वही काम करते हैं, मम्मी पापा पगार आता है चला जाता है, पगार आता है चला जाता है, उन्होंने कभी कभी कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीते हैं, वो एक झोपड़पट्टी में, एक घर में, एक फ्लैट में ज़िंदगी भर वहीं पे रहते हैं, ज़िंदगी भर उनका ज़िंदगी उधर ही ख़त्म होता है, या फिर रिटायर होने के बाद थोड़ा पैसा आ जाता है। पता नहीं यार, मुझे बहुत नफरत होता है जो रिटायरमेंट होने के बाद एकदम सेटलमेंट हो जाते हैं, काम धंधा नहीं, इधर उधर घूमते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग, ऐसे वॉकिंग, बैठ के गब्बा लगाते हैं। यार ज़िंदगी यार बहुत कुछ करने का है, जो आपका एक्सपीरियंस है बाकी लोगों को सिखाओ, आप शेयर करो, आप और कुछ सीखते रहो ज़िंदगी में, रिटायरमेंट 60 ऐसा कुछ नहीं होता है, मरते दम तक अपने को सीखना है, मरते दम तक दुनिया को कुछ हेल्प करना है, ये करते रहना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस आइडिया, एनीवे वो अपना टॉपिक है नहीं है। रोल मॉडल, सक्सेसफुल, मम्मी पापा, ये सबको कन्फ्यूज मत करो, मम्मी पापा को कहीं पे भी नहीं छोड़ना है, मम्मी पापा को अपने को संभालना है और उनको ज़िंदगी भर देखना है, उनकी हर ख्वाहिश जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ऐसी ख्वाहिश, उनको जो जो चाहिए ज़िंदगी में वो लाके देना, अपना मर्जी है, किसी भी हालत में मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे मैं वो उसमें मेरा कोई कन्फ्यूजन वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज़ वेरी क्लियर।
पेरेंट्स का सोच अलग है, जैसे वो चाहते हैं कि कहीं पे भी आपको, मैं जैसे मेरे डैड का मैं बात करूँ, मेरे डैड का सोच विचार ये है कि किसी से भी लोन नहीं लेना है, मेरे घर पे कोई आके लोन के लिए आना आएगा नहीं, यानी कि वो घर पे कोई बाजी वीजी लेते हैं या खारी बटर वगैरह लेते हैं, तभी भी मेरे घर पे आके कोई किसी का हिम्मत नहीं होता आके पैसा पूछने का। मेरे मम्मी को थोड़ा ऐसा कर दिया, लेकिन मेरे पापा रहेगा तो कोई आके पूछते नहीं, क्योंकि उनको किसी से भी लोन लेना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, हम लोग जिंदगी भर वो एक ही घर पे थे, छोटे घर पे जो बड़े बड़े बोलते हैं वहाँ पे थे, राइट। उनका सोचा है, लेकिन मेरा सोच, जैसे मैंने पहला काम किया उसके बाद मेरा पहला मंथ से लोन चालू हो गया, क्योंकि मेरा प्री अप्रूव लोन था। मैं एक वर्ल्ड टॉप 5 मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, मेरा पहला सैलरी आता ही प्री अप्रूव लोन आया, तो मैंने उसके थ्रू फ्लैट लिया। वो 10 गुना 15 गुना वो फ्लैट रेट हो गया, वो अलग बात है। तभी मैं बिना लोन का रहेगा तो मुझे ये प्रॉपर्टी सब नहीं मिलता, ये सब मैं बना नहीं पाता, राइट। सो डैडी का सोच विचार से मैं नहीं चलता हूँ। सेकेंड, मैं मेरे लिए डैडी, मेरी मम्मी, मेरा नाना, मेरा चाचा, मौसी, मौसा, जो भी है, जिसको मैं ज़िंदगी में मैं जो करता हूँ और मैं जो चीज़ों को फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ इन्होंने इस जगह पे फेल हुआ है, इन्होंने ये किया नहीं है, वो सब मेरे लिए बच्चे हैं। हाँ, वो मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे बच्चे समझते हैं, मैं उनको बच्चा समझता हूँ। सच क्या है आप लोग जानते हैं, राइट। मेरे पापा को मेरे पापा का जो भाई बहन है उनका, मेरे पापा का शादी होने के बाद कुछ महीने के बाद तो अपना भाई बहन इधर उधर से बिछड़ गया। चले, ये लोग इतना छोटे दिमाग वाले हैं, छोटी छोटी चीज़ में झगड़ा और 15 साल 20 साल तक बात नहीं करना, यू नो, ऐसा सब जिंदगी जिए लोग लाइफ में। जैसे बोलता हूँ आपको, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपका रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, पैसा 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 इंपॉर्टेंट है, ये सब होने के बाद आपकी खुशी, आप जितना एंजॉय करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आप करते हो उसको मैं मानता हूँ सक्सेसफुल। आप कुछ भी काम करते हो, एक तो आपके पास पैसा नहीं है, खाली पगार आया ख़त्म हो गया, पगार आया ख़त्म हो गया, ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरा, रिलेशनशिप यानी कि भाई बहन के मिलना नहीं है, मम्मी से झगड़ा, उनसे पापा से बात नहीं करते, क्या ज़िंदगी जीते हो यार, तुम्हारा काय सक्सेसफुल है। ओके, ये दायरे में कोई भी नहीं आता, वो सक्सेस नहीं है। बड़े तुम्हारे पास कंपनी होगा, तुम बड़े करोड़पति होंगे, उसका कुछ मतलब है? और सब कुछ है जिंदगी भर आना जाना, पता है, बड़ा बड़ा कंपनी है, पूरा जिंदगी ट्रेन में बिताना, ट्रैवलिंग में बिताना, गाड़ी चला के मरना, तुम क्या जिंदगी अपना लिए कुछ जिए हो कभी? ये ऐसा जिंदगी, ये सब सिस्टिंग में कोई आता है तो दैट इज़ अ बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ। ओके, सो ये मैं उनको समझता हूँ कि किड है, तो मम्मी को समझता हूँ किड है, क्योंकि वो कभी मेरी मम्मी और उनकी मम्मी के साथ यानी कि मेरी नानी के साथ कभी झगड़ा होता है, ये लोग देखेंगे ना हंसी आता है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कभी मेरी मम्मी हैंडल नहीं करती है, उनको अलग। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत प्यारी है, मैं देर इज़ नो डाउट। ओके, और मेरी मम्मी के लिए मैं सब कुछ करूँगा, जो भी उनको खुश रखने के लिए करूँगा, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उम्र से और आपकी सोच विचार इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपको बराबर ये देखो कि मम्मी कौन होता है, पापा क्या होता है, ये कहना है, वो कहना है, उसको कैसे ठीक करना है और आपको किसको फॉलो करना है, आपको क्या बनना है तो किसको फॉलो करना चाहिए, ये जो क्लैरिटी है आपको होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो आई एम मेकिंग अबाउट।